अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम जमील एकेडमी। प्रीवियस टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कंटिन्यूटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर वेरिएंसेस, कितने वेरिएंसेस हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर हम फैक्ट्री ओवरहेड के वेरियंसेज को डिस्कस करने से पहले पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम फैक्ट्री ओवरहेड का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जो लेक्चर वन में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय नेचर, फैक्ट्री ओवरहेड, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, हाउ टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट, एंड रीजंस मींस व्हाई टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आर क्लासिफाइड बाय नेचर, बाय बिहेवियर, बाय एलिमेंट इन डिफरेंट थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट एंड बाय नेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बाय एलिमेंट एंड बाय नेचर। फर्स्ट, बाय क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट मींस फर्स्ट एलिमेंट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज अ बेसिक वेरिएबल एलिमेंट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल बाय नेचर, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मींस कि जो फर्स्ट एलिमेंट है रॉ मटेरियल, वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, वो वेरिएबल है, और उसका बाय नेचर फर्दर उसके बाय नेचर उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, बाय डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। सिमिलर लेबर, डायरेक्ट लेबर, लेबर इज अ बेसिक वेरिएबल एलिमेंट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर बाय नेचर, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। सिमिलर थर्ड एलिमेंट इज अदर एक्सपेंसेस। All other expenses that are mandatory for production, वो सब expenses जो production के लिए mandatory हैं, जिसके बगैर production नहीं हो सकती, are as follows: direct expenses and indirect expenses. Once again, element of cost, material, labor and other element, other expenses. Direct material is further classified by nature is a direct material and indirect material, direct labor and indirect labor. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां पे आपके पास तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट के बाय नेचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेपरेट किए हुए, तो सम ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ओवरहेड, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस आउट ऑफ दिस सिक्स एक्सक्लूडिंग मटेरियल, सम ऑफ ऑल लेबर एंड सम ऑफ ऑल अदर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। अभी हमने डिस्कस किया कि सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनके टोटल को ओवरहेड कहा जाता है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट कोई कुछ भी है वेरिएबल, तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्शन से। अ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज एन एक्सपेंस दैट चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्शन आउटपुट। जितनी प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन के हिसाब से एक्सपेंस चेंज होगा। मींस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट विल डिक्रीज। एंड अदर इज फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस, आपके पास एक फिक्स पोर्शन है जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपके पास ऑपरेशन से। फिक्स कॉस्ट और एक्सपेंसिस डेट आर नॉट रिलेटेड टू द कंपनीज ऑपरेशनल एक्टिविटीज। मींस कि वो फिक्स एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए आप पे तो करते हैं, मैंडेटरी पे करना है, अब उसका प्रोडक्शन से नहीं है। लेट सपोज अगर हम घर के रेंट की बात करें या फैक्ट्री की रेंट की बात करें, प्रोडक्शन हो ना हो रेंट पे करना है। टेलीफोन के अंदर आपके पास जितनी कॉल्स करेंगे उस हिसाब से पैसा आएगा, मगर एक मिनिमम आपके पास है फिक्स, जिसके लिए जिसको आप कहते हैं लाइन रेंट पीटी सेल के अंदर। या अगर हम क्रेडिट की बात, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो एनुअल कार्ड की चार्जेस हैं, चाहे आप कार्ड यूज करें ना करें, जितना यूज करेंगे वो वेरिएबल है,
जितना करें ना, अगर यूज नहीं भी करते, एनुअल फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी है। अब हम बात करते हैं कि ओवरहेड की, हमने जो प्रीवियस लेक्चर फैक्ट्री ओवरहेड के, हमने एफसीए में अंदर डिस्कस किए थे फैक्ट्री ओवरहेड रेट, जिसके लिंक अभी आईकॉन आपके पास आ रही है, आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं। हम फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं या तो फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, या डायरेक्ट लेबर या मशीन आवर्स के रेट के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के हिसाब से या यूनिट्स के हिसाब से। इस चीज का एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अज्यूम करें एनुअल प्रोडक्शन है 10,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपए 100,000, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज होंगे 5,000। अब यहां पे आपके पास जो 10,000 यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस होंगे, तब होंगे जब डायरेक्ट लेबर 5,000 आवर्स काम करेगा। उस 5,000 आवर्स के साथ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 100,000। इस चीज के लिए अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 बंदों की टीम्स को लीड करता है, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स, जितने आवर्स ऑपरेशन में ओटी में डॉक्टर काम कर रहा है उतने ही आवर्स उस हिसाब से, उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर के लिए लाइट्स भी यूज हो रही हैं, वहां इनडायरेक्ट लोग भी, इनडायरेक्ट लेबर भी काम कर रहे हैं, वहां क्लीनिंग भी होनी है, सब चीजें। अगर ऑपरेशन ही नहीं हो रही तो उसको उस हिसाब से इनडायरेक्ट लेबर, उसकी क्लीनिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने आवर्स डॉक्टर्स ओटी के अंदर काम करेगा उतने उसी हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से ही इनडायरेक्ट लेबर होंगे, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से ऑपरेशन सेंटर के अंदर लाइट होंगी, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से मशीनरी यूज होगी। सेकंड चीज आपके पास, अगर हम बात करें नंबर ऑफ टेलर शॉप पे, एक टेलर के पास 2 लोग असिस्टेंट हैं। बारबर शॉप पे भी कॉमन ये होता है कि 2 लोग कोई सफाई क्लीनिंग के लिए, कोई बाहर के काम, या रेस्टोरेंट की, अगर रेस्टोरेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो एक शेफ के साथ 3 से 4 वो जो किचन के अंदर जो स्टाफ होता है, जो वेजिटेबल कटिंग करेगा, वॉश करेगा, वो सब चीजें, शेफ ये काम नहीं करेगा। मगर अगर शेफ ने काम नहीं किया तो इनके काम की जरूरत नहीं है। जिस दिन शेफ नहीं है तो उस दिन यकीनन हेल्पर्स की जरूरत भी नहीं है। सिमिलरली चीज अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए देखें, एक बंदा वो है जो अगर दीवार वगैरह को, कोई ब्लॉक को, बिल्डिंग को कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो उस एक बंदे के, टेक्निकल बंदे के साथ 2-3 लेबर होते हैं। अब ये सब चीजें आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के प्रोपोर्शन के लिए आपको डिस्कस किया गया। अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहे हैं कि 5,000 आवर्स यूज होगा मगर 10,000 यूनिट्स बनेंगे। 5,000 आवर्स यूज होंगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। अब ये बताएं कि एक ओवर में, पर आवर डायरेक्ट लेबर आवर में कितना खर्चा आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, 100,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल 20,000 पर आवर। 20 रुपीज पर आवर आपके पास एक आवर डायरेक्ट लेबर जब काम करेगा तो 20 रुपीज का ओवरहेड का एक्सपेंस होगा। सिमिलर 10,000 यूनिट्स अगर बनेंगे कितने आवर्स में, 5,000 आवर्स में। इसका मकसद ये कि 5,000 घंटे काम होगा तो 10,000 यूनिट बनेंगे। तो एक यूनिट के लिए कितने आवर्स चाहिए, हाफ आवर, 10,000 डिवाइड बाय 5,000, सॉरी 5,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। अक्सर यहां पे गलती ये करते हैं कि 10,000 डिवाइड बाय 5,000 करते हैं, उसमें फिर 2 आता है। अब आप इस डिवीजन से पहले आप ये अंडरस्टैंड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स में कितने आवर्स हो रहे हैं और कितना कितना नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। हमें प्रोडक्शन यूनिट्स को हमेशा डिनोमिनेटर में रखेंगे तो आपको पास पर यूनिट की बात मिलेगी। 5,000 डिवाइड बाय 10,000 तो आपके पास 0.5 पर आवर यूज हो रहा है। इट मींस कि जब हाफ आवर में एक यूनिट बन रहा है तो एक यूनिट पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना लग रहा है, एक आवर में कितना लग रहा है, 20, उसका हाफ कितना है, 10। इट मींस कि फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट जो है वो 10 रुपीज यूज होगा। पर यूनिट जो है
आपके पास ओवरहेड 10 रुपीज है, जबकि पर आवर जो है, पर आवर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से करेंगे तो 20 रुपीज है। इफ वन यूनिट इज प्रोड्यूस इट विल रिजल्ट इन द ओवरहेड ऑफ द 10 रुपीज। एक यूनिट बनने के लिए आपके पास 10 रुपीज का ओवरहेड यूज होगा। अब आपके पास एक बात आती है कि हम वाई वी कैलकुलेट रेट, हम ओवरहेड रेट को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, क्यों करते हैं? देखिएगा प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास जो प्रोडक्शन होनी है, जो कॉस्ट आपके पास, जो खर्चा प्रोडक्शन पे होना है, वो जब तक कंफर्म पता नहीं चलेगा, जब तक आपके पास प्रोडक्शन का आइडिया नहीं होगा कि कितना खर्चा होगा, तब तक आप सेल्स नहीं करेंगे। क्योंकि सेल्स करने, सेल्स के लिए आपके पास कॉस्ट पता होगी और उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। अब यहां पे आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। मीन कि जितने भी इनडायरेक्ट हैं, एक्सपेंसेस हैं, और लेबर और मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। जब तक कॉस्ट नहीं पता चलेगी तब तक हम कोई डिसीजन सेल के लिए बात नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है, ये तो है आपके पास रियल टाइम इनके पास डेटा है, क्योंकि ये तो वेरिएबल डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो पर यूनिट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये तो रियल टाइम डेटा है। जितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, जितने यूनिट्स बनने, कितने यूनिट बना रहे हैं, कितने यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। असल बात आती है कि ओवरहेड, जिसके अंदर आपके पास कुछ फिक्स भी होता है, कुछ वेरिएबल भी होता है। अब यहां पे जो ओवरहेड चैप्टर है, जो ओवरहेड है, इसको हम रफ एस्टिमेट करते हैं एडवांस में कि मेरा इतना अमाउंट खर्च होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब चीजें हम बेस्ड ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेटा को बेस बनाते हुए रफ एस्टिमेट करते हैं कि इतना खर्चा आएगा। लेट सपोज अगर हम बात करें कराची से इस्लामाबाद ट्रेवल करें, बाय ट्रेन भी अगर ट्रेवल करें, तो आप एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं मुझे घर से निकलने से स्टेशन तक जाने के लिए कितना खर्चा आएगा, स्टेशन से मुझे टिकट कितने की मिलेगी, वहां जाने के बाद मुझे रास्ते में ट्रेन की जर्नी के दौरान मुझे कितना खाने पीने के लिए मुझे कितना खर्चा है। तो आप पहले एक एस्टिमेट करते हैं, 100% या 100% कंफर्म है कि वो 100% एक्यूरेट हो, मगर कुछ रफ एस्टिमेट जरूर करते हैं। इस रफ एस्टिमेट के लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी रफ एस्टिमेट करते हैं। रफ एस्टिमेट के लिए हम उसको कुछ ना किस किसी ना किसी बेसिस पे रिकवरी करते हैं। रिकवरी किस बेसिस पे करते हैं? नंबर 1, ओवरहेड लिंक्ड विद द लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। या तो उसको मशीन आवर्स, जितने आवर्स मशीन यूज हो गए उस हिसाब से हम रेट कैलकुलेट करते हैं, जितने आवर्स लेबर काम होगा, जैसे प्रीवियस हमने बात की थी 5,000 आवर्स में काम होगा 10,000 यूनिट, तो आवर्स की बात थी, तो हम यहां से उसको ओवरहेड को आवर्स के हिसाब से करेंगे। रिकवर्ड ऑन पर यूनिट फ्रॉम प्री डिटरमाइंड रेट, जो रेट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था 10 रुपीज पर यूनिट, तो अब जितने नंबर ऑफ आवर्स, जितने नंबर ऑफ यूनिट बनेंगे उसमें 10 रुपीज ओवरहेड एक्सपेंस ऐड करेंगे कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड तो 10 रुपीज लगेगा। अब एक्चुअल हो सकता है कि 10 रुपीज से ज्यादा लगे या कम लगे, वो एक सेपरेट इशू है जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में जो हमने बनाया था कि उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करेंगे, मगर यहां पे हम पहले से ऐसा नहीं होगा कि 100% आप प्रोडक्शन कर लें, उसके बाद एक साल के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा कितने पूरे साल का प्रोडक्शन कितनी हुई है, कितना ओवरहेड हुआ, तो आप उस हिसाब से उसको उसके बाद सेल करें। इसके अंदर क्या होता है कि काफी चीजें ऐसी होती है जिसकी पेरिशेबिलिटी इतनी होती है कि सर्टेन डेज, जिस तरीके से अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में देखें, योगर्ट्स वगैरह 2-3 दिन की मैक्सिमम 1 वीक की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो अगर आप उसको पूरे महीने या पूरे साल की वेट वेट करेंगे तो वो प्रोडक्शन तो एक्सपायर हो जाएगी। रेस्टोरेंट के लिए अंदर जो आप खाना बनाते हैं, उस खाने के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट इजीली अवेलेबल होती है, ओवरहेड की अगर हम वेट करेंगे पूरे महीने में, भाई कितना बिल आएगा, कितने कस्टमर आएंगे, क्या होगा, तो जो आपने पहली तारीख को डेट बना, जो खाना बनाया था, वो 2 दिन के बाद तो खराब हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड आर ओवरहेड रिकवरी रेट इज फिक्स, बट रिकवरी ऑफ द फिक्स एफओ इज नॉट फिक्स, इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन। हमने क्या बात की थी कि 10 रुपीज पर यूनिट, प्रीवियस जो हमने बात की थी 10 रुपीज पर यूनिट ओवरहेड होगा। अब इसकी जो रिकवरी है, हम तो रिकवरी का रेट तो बताएगा 10 रुपीज पर आवर हो, पर आवर हो,
यूनिट होगा या 20 रुपीज पर आवर होगा, मगर कितनी आवर्स काम हो रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन हो रही, वो फिक्स नहीं है. वेरिएबल ओवरहेड्स आर लिंक्ड विद द लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, देयरफॉर स्टैंडर्ड विल बी रिवाइज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर मशीन आवर्स, लेबर आवर्स और मशीन आवर्स. दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. थैंक यू. If you have any question, any confusion, you can write. Thank you. Allah Hafiz.